समाज की ओर से चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस विवाह समारोह में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं आयोजन समिति की ओर से बेहद समुचित व्यवस्था की गई। जिला प्रशासन की ओर से भी इस समारोह को लेकर कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से लगातार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आज 14 फरवरी को क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की ओर से चतुर्थ सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराया गया। इस विवाह समारोह में आधा सैकड़ा से अधिक जोड़ों की शादियां कराई गयी। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समिति के वरिष्ठ सदस्य राम बाबू वर्मा ने बताया है कि इस बार विवाह समारोह में सबसे अलग बात यह है कि इस समारोह में 11 विधवाओं की शादियां भी कराई जा रही हैं। वहीं इन विधवाओं से 5 अविवाहित लड़के शादी कर रहे हैं, यह अपने आप में एक अलग बात है। उन्होंने ये भी बताया है कि विवाह समारोह में विकलांगों की शादियां कराई जा रही हैं। वहीं पूरे विधि विधान से देर रात तक बारात के साथ विवाह समारोह संपन्न कराया जाएगा। क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र वर्मा की ओर से यहां बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं समाज के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा की ओर से यहां कई कड़े इंतजाम भी किए गए। पूरे कार्यक्रम को लेकर समाज के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सुमित वर्मा, लव वर्मा, अमन वर्मा समेत समाज के युवाओं ने भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा है, ये बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। हमारा पूरा समाज मैनपुरी का मिलके एक प्रोग्राम कर रहा है सामूहिक विवाह। इसमें लगभग 60 से ऊपर शादियां होनी है, जिसमें 11 विधवाओं की शादी होनी है। और इन 11 विधवाओं की शादी में 5 अविवाहित बच्चे भी शादी कर रहे हैं, जिनको समाज द्वारा 31,000 रुपया अलग से भेंट प्रदान किया जाएगा इनाम के स्वरूप में। बाकी 6 जो विधवा लड़कियां हैं वो विदुर से शादी हो रही हैं। इसी प्रकार से जो विकलांग बच्चे शादी करेंगे इस समारोह में, उनको एक ई रिक्शा आधी कीमत पे दिया जाएगा। और इस समारोह के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, इस समारोह में हिंदुस्तान के हर कोने से लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। शाम तक इतनी भीड़ हो जाएगी कि हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा भी बढ़िया व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया है। और इन सभी जो जोड़े बनेंगे, सभी दूल्हों की बारात भी निकलेगी बड़े चौराहे से। लगभग 60 तक अभी तय हो चुकी है और अभी परिचय सम्मेलन चल रहा है, कुछ बढ़ने की भी संभावना है। कितने दिन तक का प्रोग्राम? ये आज शादी होनी है, रात को फेरे पड़ेंगे, कल विदा होगी। और इन सभी जोड़ों को लगभग 50-60 हज़ार का हम लोग समाज मिलके दहेज भी दे रहा है। ये कौन सा सामूहिक विवाह समारोह? पहली बार? चौथा चतुर्थ। और इस विवाह समारोह में प्रदेश के बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सब लोगों ने मिलके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का प्रयास किया है।